हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू शिक्षा। सो गाइस, थर्ड लेक्चर के साथ आ गए हैं। इंश्योरेंस का लेक्चर है, एपीएफसी। अब तो 2 जुलाई को पेपर होना है, तो सब लोग अपने अपने बेल्ट्स टाइट कर लीजिए एंड भागने के लिए तैयार हो जाएं। पूरा जोर लगाना है दोस्तों, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहना। और इस जोर लगाने में किसी इंस्टीट्यूट, किसी यूट्यूब चैनल, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। कोई कंटेंट दे या ना दे, ये बात ठान लो कि मैंने करना है। ये मैं बात इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे जैसे ही डेट आती है ना एग्जाम की, बावले से हुए घूमते हैं कि कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा कंटेंट। अगर नहीं मिल रहा तो खुद ढूंढो, किताबें छानो, ठीक है, इंटरनेट के ऊपर भटको। मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा तो ये भी करना पड़ेगा अपने को, है ना। थर्ड लेक्चर है इंश्योरेंस का, और इस लेक्चर के अंदर बेसिकली जो टॉपिक हम लोगों को कवर करना है, वो हम क्या कवर करने वाले हैं दोस्तों, हम टॉपिक करने वाले हैं इंश्योरेबल रिस्क के बारे में, कि इंश्योरेबल रिस्क के अंदर क्या क्या बेसिकली आता है। जो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर आपका इंश्योरेबल रिस्क के अंदर पर्सनल रिस्क आ जाता है सबसे पहले, फिर आता है आपका प्रॉपर्टी रिस्क, और फिर आता है आपका लाइबिलिटी रिस्क। तो ये तीनों रिस्क क्या है, पर्सनल रिस्क, प्रॉपर्टी रिस्क और लाइबिलिटी रिस्क, ये समझेंगे। और फिर हम कुछ फीचर्स देखेंगे, ठीक है, कुछ फीचर्स देखेंगे रिलेटेड टू लाइबिलिटी रिस्क, कुछ फीचर्स हम देखेंगे प्रॉपर्टी रिस्क के, कि प्रॉपर्टी रिस्क और लाइबिलिटी रिस्क के फीचर्स क्या हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस विल बी द थर्ड लेक्चर। पीडीएफ के लिए दोस्तों, सारी की सारी जो पीडीएफ फाइल्स हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर के आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए बस आपको एक वन टाइम 99 रुपीज का पेमेंट करना है। जितनी भी यूट्यूब की एपीएफसी से रिलेटेड, ईपीएफओ से रिलेटेड जो भी प्लेलिस्ट बनी है, जो भी फाइल्स आ रही हैं, जो भी लेक्चर्स चल रहे हैं, सबके लेक्चर्स वहां पर अपलोड हो जाएंगे, तो इजीली आप वो डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज जस्ट फॉर सीरियसनेस गाइस, ये पैसा कमाने के लिए नहीं है। आप भी समझ सकते हो कि 100 रुपये में क्या कमाएंगे, है ना। तो अल्टीमेटली अगर मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मुझे वैसे किसी को जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, बट सीरियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीडीएफ फाइल्स का ढेर लगा है मार्केट के अंदर। इंटरनेट पे लगो, फ्री पीडीएफ वेबसाइट्स की लाइन लग जाएगी, बट वो पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ इकट्ठी होकर के फोल्डर में इकट्ठी होती रहती है कंप्यूटर के या मोबाइल के, वो बच्चा खोल करके भी नहीं देखता, ठीक है। सो इंश्योरेबल रिस्क में जैसे कि मैंने आपको बताया, तीन टाइप ऑफ रिस्क आ गए, पर्सनल रिस्क, प्रॉपर्टी रिस्क और लाइबिलिटी रिस्क। एक एक करके समझते हैं, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बड़ा छोटा सा लेक्चर हमने ये डिस्कस करना है। पर्सनल रिस्क का बेसिकली देखो यहां पर क्या है, इंडिविजुअल के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट है, ठीक है। पर्सनली जब आप रिस्क पे हो तो बेसिकली क्या है कि आपकी जो एबिलिटी टू अर्न है उसमें कहीं किसी तरह का लॉस ना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी आपकी तो नहीं बोलूंगा मैं, फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ हो गई, प्री मेच्योर डेथ हो गई, ठीक है, तो उस केस में जो फैमिली मेंबर्स हैं जो उसके ऊपर डिपेंडेंट थे, वो तो रिस्क के ऊपर आ गए ना। अब एक सोल ब्रेड अर्नर है घर में, ठीक है, वो कमा करके ला रहा है घर में या कमा करके ला रही है घर में, एंड अल्टीमेटली अगर उसकी डेथ हो जाए तो अल्टीमेटली क्या होगा, बाकी के फैमिली मेंबर्स तो रिस्क पे आ गए क्योंकि घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा, ओके। या ओल्ड एज है, बुढ़ापा, सिकनेस, डिसेबिलिटी आ गई किसी तरह की, जिसकी वजह से आप अब अनएम्प्लॉयड हो, या आप जिस पोटेंशियल से पहले काम कर पा रहे थे उस पोटेंशियल से आप काम नहीं कर पा रहे हो, या बेरोजगारी, तो ये सब क्या है, ये पर्सनल लॉसेज हैं। पर्सनल लॉसेज क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आपकी जो एबिलिटी टू अर्न है वो इम्पैक्ट हो रही है। पर्सनल रिस्क के अंदर ना चार मेजर रिस्क आते हैं। एक तो होता है रिस्क ऑफ प्री मेच्योर डेथ, ठीक है, प्री मेच्योर डेथ। तो बेसिकली इसके अंदर जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट होगा ना, वो क्या कवर करता है कि इन केस एक पर्सन की डेथ हो गई तो उस डेथ के बाद उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मिलेगी, ठीक है, क्योंकि डेथ से एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है, स्पेशली अगर एक ब्रेड विनर की डेथ हो रही है। देखो अभी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिस्क होता है, तो इंश्योरेंस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर कोई मर गया और आप कह रहे हो कि ब्रेड अर्नर मर गया, ठीक है, खाने वाले बहुत सारे लोग बचे हैं, तो आप दुख नहीं जता रहे, आप तो ये हो गया कि कमाने वाला मर गया। बट देखो जब हम प्रोफेशनल ग्राउंड्स की बात करते हैं तो इंश्योरेंस के अंदर तो मेन वही है ना, क्योंकि इंश्योरेंस इज नॉट डीलिंग नॉन फाइनेंशियल रिस्क। इंश्योरेंस में आप कोई ये तो नहीं कह सकता ना कि हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल किसी वाइफ ने अपने पति की इंश्योरेंस ले रखी है, लाइफ इंश्योरेंस, और वो लाइफ इंश्योरेंस वाले को बोले कि अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मेरे को नया पति तुम ला करके दोगे, वो नहीं होता ना अल्टीमेटली, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल लॉसेस। सो यहां पर भी डेथ के केस में भी फाइनेंशियल लॉस को ही कंसिडर किया जाता है एक तरीके से, कि जो
पीछे लोग बचे हैं, अल्टीमेटली उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एश्योर किया जाए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो प्री मेच्योर डेथ का रिस्क हो गया. रिस्क ऑफ लिविंग टू लॉन्ग, एक जगह तो डेथ आपकी टाइम से पहले हो गई, दूसरी जगह आप बहुत लंबा जी रहे हो. आप 80 साल के हो गए, अब 80 साल की उम्र में आप कुछ काम तो कर नहीं पा रहे हो, ठीक है? तो उस केस में इंश्योरेंस हेल्प करता है पोस्ट रिटायरमेंट नीड्स को फुलफिल करने में, अपनी और अपने स्पाउस की. रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है भैया, अब रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखो, इंडस्ट्रियल इंप्लॉयज फेस करते हैं अगर आपकी नौकरी चली जाए. अब यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर तो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस होता है कि अगर आपकी नौकरी चली जाए, आपने इंश्योरेंस ले रखा है, आपकी नौकरी चली जाए तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कवर करेगी. इंडिया में इस टाइप का कोई कवरेज अभी तक नहीं है, रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है हमारे यहाँ पर, कोई ऐसी इंश्योरेंस नहीं है. लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, यूएस जैसी कंट्रीज के अंदर आपको ये रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा. एंड फाइनली आपका आ जाता है रिस्क ऑफ इलनेस या डिसेबिलिटी. रिस्क ऑफ इलनेस या डिसेबिलिटी, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आप काम कर रहे, आप अगेन मैं नहीं बोलना चाहता, आप यहां पर वर्ड बार बार, मेरी आदत ये खराब है. कोई काम कर रहा है और काम करते करते मशीन में उसका हाथ आ गया, हाथ कट गया, तो डिसेबिलिटी है, वो बेचारा काम तो कर नहीं सकता, तो वो रिस्क कवरेज भी यहां पर रहेगी. फिर आएगा जी प्रॉपर्टी रिस्क. प्रॉपर्टी रिस्क में भी देखो दो टाइप के लॉसेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट लॉस और एक होता है कॉन्सिक्वेंशियल लॉस. अब ये क्या होता है? डायरेक्ट लॉस तो होता है जी जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, जो डायरेक्ट है, बेसिकली आपके यहां पर आग लग गई या आपके यहां पर चोरी हो गई. फॉर एग्जाम्पल आग लग गई तो जो डैमेज हुआ शॉप का, शॉप के इंफ्रास्ट्रक्चर का, शॉप के गुड्स का, वो क्या है? वो डायरेक्ट लॉस है. जो भी फिजिकल डैमेज हो रहा है वो क्या हो गया? डायरेक्ट लॉस हो गया, क्योंकि सामान जल गया. कॉन्सिक्वेंशियल लॉस क्या होता है? अब आपके यहां पर आग लगी, आपका सारा सामान जल गया, आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया, तो आप उसको ठीक कराना पड़ेगा, जो भी आपकी शॉप है. तो उसको ठीक कराने के लिए दुकान, जाहिर सी बात है, जो भी आपकी शॉप है वो बंद रहेगी कुछ महीने तक, जब तक उसकी रिपेयर नहीं हो जाती, सारा काम नहीं हो जाता, इंश्योरेंस वाले अच्छे से असेस करेंगे पहले उसको, फिर उसका काम शुरू होगा, फिर काम होने में टाइम लगेगा. तो अल्टीमेटली उसमें भी तो आपको नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि आपका धंधा बंद है, आपका धंधा बंद है. अगर आप रेंट पे हो तो आपका रेंट भी जा रहा है, ठीक है, और आप कुछ कमा भी नहीं रहे हो क्योंकि धंधा बंद है, कस्टमर नहीं आ रहा. तो वो जो लॉस होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंशियल लॉस. तो इंश्योरेंस के अंदर जो प्रॉपर्टी रिस्क होता है उसमें कुछ लोग सिर्फ डायरेक्ट लॉस का इंश्योरेंस लेते हैं, एंड पीपल ऑल्सो कवर देमसेल्व फॉर कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस, ठीक है? उसका प्रीमियम दो थोड़ा ज्यादा होता है कॉन्सिक्वेंशियल लॉस का, ठीक है? डायरेक्ट लॉस जो डायरेक्टली जो इंसिडेंट है उससे रिलेटेड है, और कॉन्सिक्वेंशियल जो उस पर्टिकुलर एक्सीडेंट के कॉन्सिक्वेंसेस से हुआ. फिर आ जाता है जी आपका लाइबिलिटी रिस्क. लाइबिलिटी रिस्क का एग्जाम्पल होता है जो आप, अगर आपको स्कूटर चलाना है, आपको टू व्हीलर या आपको कार चलाना है, तो आपको एक इंश्योरेंस लेनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस. अगर आपको किसी पुलिस वाले ने रोक लिया, ट्रैफिक वाले ने रोक लिया, तो वो आपसे लाइसेंस और आरसी के साथ साथ क्या मांगता है? इंश्योरेंस दिखाओ. तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि वो इंश्योरेंस है किस चीज की. वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है बेटा, वो तुम्हारे स्कूटर की इंश्योरेंस नहीं है, वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस उसको मेनली चाहिए, ठीक है? अगर तुम्हारे पास स्कूटर की है इंश्योरेंस लेकिन थर्ड पार्टी नहीं है, देन ऑल्सो इट्स अ प्रॉब्लम. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है कि बेसिकली आपके स्कूटर से किसी का एक्सीडेंट हो गया या आपकी कार से किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपने कार से किसी को उड़ा दिया, ठीक है, तो जो ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है ये उस पर्सन को कवर करेगी जिसका एक्सीडेंट हुआ है आपसे, अल्टीमेटली जिसको आपकी वजह से लॉस सफर करना पड़ रहा है. तो लाइबिलिटी रिस्क वही होता है, ठीक है, कानून के तहत होता है ये. जैसे इंडिया के अंदर ये लॉ है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाला, ठीक है, क्योंकि आपकी गलती की वजह से किसी दूसरे का नुकसान हुआ है या उसकी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है या कोई बॉडीली इंजरी उसके अंदर हुई है. ओके, जैसे मोटरिस्ट का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना कि लीगली लायबल है लाइफ इंश्योरेंस एक्सीडेंट के लिए, निग्लिजेंट ड्राइविंग अगर आप कर रहे हो. अब ये फर्म्स भी लेती हैं, बिजनेस फर्म्स भी लेती हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस फर्म कोई प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट से किसी को इंजरी हो गई या कोई हार्म हो गया, तो उसको प्रोडक्ट लाइबिलिटी कहते हैं, वो इंश्योरेंस उस प्रोडक्ट की लाइबिलिटी को कवर करेगी. इंजीनियर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, इनसे कोई गलती हो गई और इनको किसी ने सू कर दिया तो वो प्रोफेशनल लाइबिलिटी हो गई. तो बेसिकली लाइबिलिटी रिस्क जो है वो थर्ड पर्सन को कवर करती है, इसीलिए इसको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहते हैं, ठीक है. अब देखो इंश्योरेंस में जनरली क्या होता है, देर इज वन पर्सन कॉल्ड इंश्योर्ड एंड द अदर इज कॉल्ड इंश्योरर. इंश्योरर तो कौन हो गया? इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनी, LIC. इंश्योर्ड
कौन हो गया? जो पर्सन आपका इंश्योरेंस ले रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस ले रहा हूं, सो आई एम द इंश्योर्ड. लेकिन लाइबिलिटी में क्या होता है, इट इज नॉट द इंश्योर्ड पर्सन हु विल बी गेटिंग द बेनिफिट, इट विल बी द थर्ड पर्सन. अब आपने अपने स्कूटर के लिए इंश्योरेंस खरीद करके रखी है, या आपने अपनी कार के लिए इंश्योरेंस वो खरीद करके रखी है थर्ड पार्टी, उसका खर्चा आप दे रहे हो, उसका प्रीमियम साल में आपने भरा है. लेकिन अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसका क्लेम किसको मिलेगा? उस थर्ड पर्सन को जिसका डैमेज हुआ है. वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, वो थर्ड पर्सन को मिलेगा, इसीलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस उसको कहते हैं. ओके, ये फीचर्स अभी हम देखेंगे भी. तो सबसे पहले जो प्राइमरी फीचर्स हैं प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के, वो देखते हैं. लाइफ इंश्योरेंस को तो हम काफी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे. सो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के फीचर्स देखो. सबसे पहले तो इसके अंदर स्पेसिफिक सम इंश्योर्ड होता है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के अंदर, ठीक है. फॉर एग्जांपल, आप कह रहे हो यार मैंने 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस ले ली, या मैंने 4 लाख रुपए की इंश्योरेंस है, या 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस है. तो एक स्पेसिफिक सम होता है, डिसाइडेड होता है कि हाँ जी इतना सम है, ठीक है, इतना इतने पैसे का मैंने इंश्योरेंस लिया है, 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया है, 2 करोड़ का इंश्योरेंस लिया है. और अल्टीमेटली फिर जो आपको डैमेज के टाइम पर इंश्योरेंस मिलेगा वो मैक्सिमम उतना ही मिलेगा जितने की आपने पॉलिसी लिया है. 1 करोड़ की लिया तो मैक्सिमम आपको 1 करोड़ का ही इंश्योरेंस मिलेगा, उससे ज्यादा का नहीं मिलेगा. सब्जेक्ट मैटर कंक्रीट टर्म्स में होता है, क्या क्या चीजें इंश्योर्ड है, किन किन चीजों से इंश्योर्ड है, वो सब क्लियरली लिखा होगा. फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी में आपने फायर इंश्योरेंस लिया तो वो सिर्फ फिर फायर, वो क्लियरली लिखा होगा कि आग लग गई तो इंश्योरेंस है, चोरी हो गई तो फिर आपको इंश्योरेंस कंपनी कोई पैसा नहीं देगी, है ना. कंक्रीट टर्म्स होती हैं. ओके, क्लेम किसको मिलेगा? जो इंश्योर्ड है, जिसका नाम पॉलिसी के अंदर इंश्योर्ड पर्सन नेम लिखा हुआ है उसको मिलेगा, या फिर उसके हेयर को मिलेगा, जो भी उसका नॉमिनी वगैरह होगा. एंड लिमिट, जो मैंने आपको बताया जो पॉलिसी की लिमिट है वो पैसा उसको मिलेगा. ओके, एंड क्लेम तब तक आप कर सकते हो जब तक पीरियड ऑफ पॉलिसी है, जब तक पीरियड ऑफ पॉलिसी है. फॉर एग्जांपल, आपने 1 साल के लिए पॉलिसी ली थी, 1 ईयर के लिए आपने पॉलिसी ली थी फायर की, ठीक है. अब वो फायर की 1 साल वो पूरा हो गया, 1 साल पूरा होने के बाद आपने पॉलिसी रिन्यू नहीं करी, 2 दिन बाद आग लग गई, तो फिर आप इंश्योरेंस कंपनी के पास गए छोटा सा मुंह लेके कि आग लग गई इंश्योरेंस दो, तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देगी कि भैया तेरे तूने रिन्यू नहीं करी. हाँ, अगर आपने टाइमली रिन्यू कर ली देन इट इज अ डिफरेंट थिंग. अगर आपने रिन्यू नहीं करी और 1 दिन भी पूरा हो गया, 1 घंटा भी ऊपर हो गया, तो वो आपको क्लेम नहीं देंगे. ओके, उसके बाद जी अगर हम पर्सनल या कॉमर्शियल लाइंस में प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की बात करें, सबसे ज्यादा तो फायर इंश्योरेंस जो है वो मोस्ट पॉपुलर है. उसके बाद सेकंड नंबर पे मेराइन इंश्योरेंस आता है, जो लोग अपने मेरीन कार्गो, जो बेसिकली शिप के थ्रू कार्गो की ट्रांसपोर्टेशन होती है, या मेरीन बोट्स जो होती हैं उनकी इंश्योरेंस लेते हैं. देन मिसलेनियस इंश्योरेंस आ जाता है तीसरे नंबर पर. मिसलेनियस इंश्योरेंस में जैसे मोटर इंश्योरेंस, जब अपनी गाड़ी की आप इंश्योरेंस कराते हो, अगर कोई एक्सीडेंट गाड़ी का हो जाए तो गाड़ी की रिपेयर वगैरह के लिए, ठीक है, या इंजीनियर्स अपना इंश्योरेंस लेते हैं कोई मशीन के अंदर डिफेक्ट वगैरह आ जाए, वो मिसलेनियस इंश्योरेंस के अंदर आ जाता है. फाइनली आपका लाइबिलिटी इंश्योरेंस, इसके कुछ फीचर्स देखते हैं जो डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू प्रॉपर्टी इंश्योरेंस. प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में स्पेसिफिक सम होता है इंश्योर्ड, कि भाई 1 करोड़ की है, 2 करोड़ की है. इसके अंदर देर इज नो स्पेसिफिक सम इंश्योर्ड, ठीक है. आप अपनी पॉलिसी उठा करके देख लो, आज थर्ड पार्टी वाली जो आपने गाड़ी की कराई हुई है उसमें कोई स्पेसिफिक सम नहीं लिखा होता. उसमें लिमिट्स होती हैं, ठीक है, कि कितनी लिमिट है पर एक्सीडेंट, ठीक है, लिमिट पर इंडिविजुअल या लिमिट पर पीरियड. वो इंश्योरेंस कंपनी कह देती है भाई इतने एक्सीडेंट हम इंश्योर कर देंगे. ये भी नहीं है ना कि आप रोज एक्सीडेंट करते रहो और इंश्योरेंस कंपनी के पास पहुंचो कि लाओ पैसा दो, ठीक है. तो उस पर लिमिट होती है, सम के ऊपर लिमिट नहीं है होती इसमें, ठीक है जी. स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि किस टाइप का लॉस हो जाए. अब आप गाड़ी चला रहे हो, है ना, और किसी को आपने किस टाइप का आप किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज कर दो, यू नेवर नो. आप किसी का स्कूटर को भी ठोक सकते हो, किसी गाड़ी को भी एक्सीडेंट कर सकते हो, किसी प्लेन को भी. तो इसमें कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर नहीं होता जैसे प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में होता है, ठीक है. एंड इसके अंदर जो क्लेमेंट होता है वो इंश्योर्ड पर्सन नहीं है, वो थर्ड पार्टी है. मैंने आपको ये बता दिया कि थर्ड पार्टी है. आपने जिसका एक्सीडेंट किया अल्टीमेटली पैसा उसको मिलना है, ठीक है, लेकिन प्रीमियम आपने भरा था. सो यू आर नॉट गेटिंग द क्लेम. क्लेम किसको मिलेगा? थर्ड पार्टी को मिलेगा. क्लेम इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पॉलिसी कैन बी देयर. उसमें आप नहीं क्लेम कर सकते आफ्टर द एक्सपायरी, ठीक है, लेकिन इसके अंदर आप क्लेम कर सकते हो आफ्टर द एक्सपायरी, अगर जो इवेंट हुआ है वो ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड हुआ है. यानी कि जब आपने एक्सीडेंट किया था तब पॉलिसी आपकी एक्टिव थी, ठीक है,
हो सकता है कि उसके बाद पॉलिसी एक्सपायर हो गई हो एक दिन बाद ही, लेकिन जब आपने किया तब आपकी पॉलिसी एक्टिव थी, तो उस केस में भी क्लेम इंश्योरेंस कंपनी को यहां पर देना पड़ेगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने ध्यान में रखना है। ओके, सो दिस इज इट गाइस। अगेन वी आर डन विद अ वेरी शॉर्ट लेक्चर एंड वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। ये जो फीचर्स है ना प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के और लाइबिलिटी इंश्योरेंस के, याद रखना है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट। ऑलराइट, कोई भी डाउट हो कमेंट में पोस्ट किया करो, और कमेंट में वैसे ही लिख दिया करो यार कुछ, ठीक है, कुछ बात बात किया करो, अच्छा लगता है। टेलीग्राम पे भी तुम लोग चुप रहते हो, टेलीग्राम पर आओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैटे चैटे करते हैं वहाँ पे, कुछ जो भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। एंड व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो, चैनल को शेयर जरूर करना है। ठीक है, बाय।